जो हमारी साइड जो जैसे ये रॉक है भैया है इसका जो फेस है वो क्या है ये वाला है जो आपके साइड है क्लियर हो गया इसको बोलते हैं फेस जैसे 41 है 41 पे जब आप जाते हैं तो उसका जो आगे वाला पार्ट होता है वो उसका है फेस क्लियर हो गया ओके नेक्स्ट क्या है ग्लेसिस क्या होता है ग्लेसिस एनी आइडिया अबाउट दिस जीरो डिग्री से लेके 30 डिग्री तक का जो स्लोप होता है दैट्स कॉल्ड ग्लेसिस जीरो टू 30 डिग्री जिस पे आप क्या कर सकते हैं नॉर्मली वॉक करके जा सकते हैं आपको हाथ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप उसे बोलते हैं ग्लेसिस अगर आप रॉक टर्म्स में अगर बात करें तो उसको क्या बोलते हैं ग्लेसिस तो क्या बोलते हैं स्लैब और 35 से ऊपर और 75 से ऊपर कितना होता है 75 टू 90 डिग्री ये आ गया आपका वॉल ठीक है जहाँ पे बिल्कुल क्या होता है एकदम स्ट्रेट होता है क्लियर हो गया उससे ऊपर भी हो सकता है कुछ क्या हो सकता है ओवरहैंग कितना होता है ये एनी आइडिया 90 टू 120 डिग्री ओवरहैंग यहाँ पे क्या हो जाती है आपकी क्लाइंबिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ठीक है तो इस ऐसे अगर स्लोप मिल जाता है तो ऐसे जो स्लोप पे चढ़ने का जो टेक्निक होता है वो आपको जब आप एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा क्लियर किस तरीके से आप ऐसी जगह पे क्लाइंबिंग करते हैं देन इसके अलावा इससे ऊपर भी होता है कुछ क्या होता है 120 डिग्री टू 180 डिग्री क्लियर हो गया इसको बोलते हैं हम लोग रूफ क्लियर हो गया ओके इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स क्या है क्या होता है फिशर एनी आइडिया अबाउट दिस फिशर हेयरलाइन क्रैक ऑन रूफ क्लियर जो इतना बारीक होता है कि जिस पे आपका सिर्फ क्या हो सकता है फिंगर्स आप क्या कर सकते हैं जो आप जिसको आप फिंगर से सिर्फ होल्ड कर सकते हैं या फिर जो आपका क्या है रॉक पिटॉन है वो उसमें फिट हो सकता है तो ऐसा जो क्रैक आपको रॉक में मिलता है उसको आप क्या बोल सकते हैं फिशर बोल सकते हैं क्लियर नेक्स्ट क्रैक क्या होता है कितना बड़ा होता है किसे बोलते हैं जिसमें चोकनट और फ्रेंड्स फिट आते हैं ड्यूरिंग क्लाइंबिंग जिसमें आप क्या कर सकते हैं जो आपके आर्टिफिशियल एंकर हैं लाइक फ्रेंड्स हो गया चॉकनट्स हो गया जिसमें ये क्या होता है इजिली फिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं क्रैक्स क्लियर नेक्स्ट टू रॉक्स जिनका फेस मतलब एक दूसरे को जिससे हम एक साइड बैक रखे और एक साइड क्या हुआ जिस पे ऐसे टू रॉन्ग का फेसिंग ऊपर जाते हैं डेफिनेशन बताओ ना क्या आप अगर आप किसी को बताएंगे कि व्हाट इज चिमनी क्या बताएंगे कैसे बताएंगे ऐसे ऐसे जाते हैं टू पैरेलल रॉन्ग दैट्स व्हाट इसमें कहां वेरी बैड क्या होता है गली ओके जहाँ पे क्या होता है ये चिमनी है चिमनी में इतना गैप है कि एक क्लाइंबर आराम से मूवमेंट कर सकता है दो क्लाइंबर बट गली क्या है गली में इतना गली थोड़ा बड़ी होती है चिमनी से ठीक है जहाँ पे क्या हो सकता है पूरी एक टीम भी निकल सकती है क्लियर हो गया उसको बोलते हैं आप गली आप लोगों के घर में मोहल्ले में क्या होती है उसको भी गली बोलते हैं क्लियर हो गया वही गली ओके नेक्स्ट क्या है गाली क्या होता है पता है सबको रास्कल ये जहाँ पे आपका पूरा एक गांव भी बस सकता है या शहर बस सकता है तो बोलते हैं आप लोग वैली क्या होता है ये एरेट व्हाट इज एरेट एरेट भी आपका एक टाइप का रिज होता है बट रिज और एरेट में आपका डिफरेंस क्या होता है कि एरेट जो एक धार होती है ये क्या होता है एरेट लाइक अ नाइफ समझ रहे
चाकू की तरह जो एकदम तेज तरार धार होती है उसको बोलते हैं एरेट। नेक्स्ट क्या है आपका? चॉक स्टोन। क्या समझते हैं? जिसके अंदर हाथ, इसके अंदर हाथ फंसाते हैं। दो रोक के बीच में अगर क्या है, जैसे आपका चिमनी है ना, तो चिमनी के अंदर अगर कोई बोल्डर आके क्या हो जाता है, चौक हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चौक स्टोन। वो हो गया आपका। क्या होता है स्टैंस? स्टैंस क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट दिस? क्रिकेट का तो पता है, क्रिकेट वाला स्टैंस। क्रिकेट में क्या होता है? ओके, अभी इसमें क्या है कि लेज में आपको इतना जगह मिला है रॉक क्लाइंबिंग के दौरान कि आप एक जगह पे खड़े हुए, बट स्टांस में क्या है कि वही जगह उससे थोड़ा वो क्या है, ज़्यादा है जगह है जहाँ पे एक क्लाइंबर क्या है आराम से बैठ भी सकता है। लेज क्या है? जहाँ वो खड़ा हो सकता है कंफर्टेबल, और स्टांस है जहाँ वो आराम से बैठ सकता है और उसको बिले भी कर सकता है नीचे वाले को। क्लियर हो गया? वहाँ पे बैठ के। अभी आप लोग एडवांस कोर्स करेंगे तो उसमें एक स्टांस मैनेजमेंट एक क्लास होती है पूरी, स्टांस मैनेजमेंट, कि अगर आप स्टांस के ऊपर हैं तो आप किस तरीके से वहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से अपने साथी क्लाइंबर को वहाँ तक बुलाते हैं, तो उस पर पूरा क्लास होता है आपका एडवांस के ऊपर रखा। उसको बोलते हैं कैरन। क्लियर हो गया? जो पिट्ठू जो बनाते हैं ना आप लोग, तो वही उसी को अगर आप लोग पहाड़ों में अगर उस तरीके से बनाते हैं तो वो एक विधि।